दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आशा है मस्त होंगे। देखिए अभी कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन चल रहा है, सभी अमीर गरीब परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी तो उसको है जिसका शादी तो लगा हुआ है, कार्ड छपा गया, बढ़ भी गया, शादी रुका हुआ है, बेचारा ज्यादा परेशान है। चलिए ये सब तो मजाक वाली बात हो गया, स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिगेटरी फंक्शन और ये प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका प्रूफ अभी करेंगे, इसके जस्ट बाद। ये प्लस है, यहां प्लस, ठीक है, साइन इनवर्स में है तो पहले साइन इनवर्स है, बात आ रही समझ में? साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई माइनस है, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ यहां माइनस आ गया। साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए यहां भी कॉस है, यहां भी कॉस है, तो ये आ गया कॉस में, साइन में तो साइन में, कॉस है तो कॉस में। ठीक है, ज्यादा याद करना जटिल नहीं है, बताएंगे क्या तरीका है इसका। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, यहां जब प्लस रहेगा, ध्यान दीजिए जब यहां प्लस रहेगा तो यहां माइनस रहेगा, हम लोग भी क्लास 11 में ट्रिगो पढ़े हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है कि नहीं? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी होता है। ठीक है, अभी इसका प्रूफ बताएंगे, समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये जब प्लस रहेगा तो यहां माइनस होगा, और यहां माइनस रहेगा तो यहां प्लस होगा। राइट डाउन एंड टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये अभी जस्ट फॉर्मूला हम लोग पढ़े। ठीक है, साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका प्रूफ देखिए, अगर एक का प्रूफ हम समझ जाएंगे तो बाकी सबका प्रूफ कर सकते हैं खुद से। ठीक है, बात ऐसे आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा, है कि नहीं? कुछ करने के लिए कुछ परिश्रम करना पड़ता है, बात आए समझ में? तो साइन इनवर्स एक्स इजकल टू ए लेट एंड साइन इनवर्स वाई इजकल टू बी, साइन इनवर्स ए इजकल टू ए अगर लेट मान लिए तो ये कितना हो जाएगा, एक्स इजकल टू कितना, साइन ए होगा कि नहीं, और ये कितना होगा, वाई इजकल टू साइन बी, बात आया समझ में? अब हम लोग इलेवेंथ में पढ़े हैं। ठीक है, साइन इलेवेंथ का टेंथ नहीं, टेंथ में नहीं, इलेवेंथ में पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, अच्छा एक मिनट और थोड़ा पहले कि ये साइन एक सिंटू साइन ए है। ठीक है, यदि एक सिंटू दिए हुए साइन ए और साइन ए इक्वल टू एक्स, तो इसको कॉस में कैसे लिखेंगे? हम लोग के पता है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना, 1, है कि नहीं? तो साइन स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस ए इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बात आ रही समझ में? इसका मतलब हुआ कि कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बी, यानी साइन बी इक्वल टू वाई, तो साइन बी इक्वल टू वाई, तो कॉस बी कितना होगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। राइट डाउन, अब इलेवेंथ हम लोग क्या पढ़े, साइन ए प्लस बी
फॉर्मूला बोलिए बोलिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए कितना सोचा सर, कितना पहले पढ़े याद थोड़ी अब है, कॉस ए इंटू साइन बी कितना, तो सुबह क्या खाता है वही नहीं याद रहता है, ये तो एक साल पहले पढ़े होंगे। तो साइन ए प्लस बी कर लू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखिए दिख रहा है बोर्ड में क्लियर, साइन ए के जगह क्या लिखेंगे एक्स इंटू कॉस बी, कॉस बी साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस बी का मतलब वाट वन माइनस एक्स वाई स्क्वायर, दिख रहा है नीचे ठीक है, प्लस कॉस ए, कॉस ए वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड साइन बी, साइन बी मीन्स वाई, तो वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये वही आया अभी तक, एक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, राइट डाउन। अब ये यानी अब देखिए ए प्लस बी इक्वल कितना लिख सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स लिख सकते नहीं, ये जब साइन बदल जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ए इक्वल टू हम लोग क्या माने थे, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को ही तो हम लोग पहले ए माने हैं, याद कीजिए ठीक है। तो ए इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, ये क्या आ गया, देखिए प्रूफ हो गया, फॉर्मूला हो गया या नहीं, एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, प्रूफ हुआ कि नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, जो फॉर्मूला लिखे तो वही सेम आया प्रूफ करके, बात आया समझ में। और इसी तरह से प्रूफ सारे फॉर्मूला का हम कर सकते हैं जो अभी तक प्रॉपर्टी वर्ष में पढ़ा है, राइट डजंट टेक द स्क्रीनशॉट। ये प्रॉपर्टी नंबर एट, टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस वाई स्क्वायर, नहीं नहीं सॉरी वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसी का फॉर्मूला है, साइन इनवर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, राइट डाउन ठीक है। अब इसका प्रूफ एक एक का प्रूफ बताएंगे, बात अगर समझ में आ जाएगा प्रूफ ठीक है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कैसा लगा या कितना परेशानी आया, क्या परेशानी आया, आसान लगा सो ठीक है, लिख लिए होंगे। अब देखिए प्रूफ जलवा, प्रूफ का जलवा लेट, देखिए ये जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ना आप अगर याद कर सकते हैं तो सेम, देखिए साइन टू थीटा की याद की है, साइन टू थीटा इक्वल क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए उसी का याद करने का तरीका कैसे, और उसी में प्रूफ भी करेंगे, टू साइन इनवर्स, यहां साइन इनवर्स में इसलिए साइन इनवर्स आया, साइन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा लेट ठीक है, तो ये कितना हो गया, टू थीटा हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए अगर साइन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा है तो साइन थीटा इक्वल टू व्हाट एक्स, अब साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो कॉस थीटा कितना होगा, अभी जस्ट बताइए इससे पहले कैसे निकलता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, बात आ रहा है समझ में। अब कॉस थीटा वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया तो ये हो गया, हम लोग पढ़े क्या साइन टू थीटा इलेवेंथ में, बताइए साइन टू थीटा इक्वल टू व्हाट, याद कीजिए जिस समय पढ़े थे आप इलेवेंथ में, टू साइन थीटा काफी इजी एंड काफी ये मल्टीपल एंगल्स का है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ठीक है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो
साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा, तो टू इंटू साइन थीटा मीन्स एक्स एंड कॉस थीटा मीन्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? जो बोर्ड पे लिख रहा है जो वही जो हम यहां लाए हैं वही लिख रहे हैं। अब देखिए टू थीटा इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स, ये इधर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स टू एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, होगा कि नहीं? अब टू इंटू थीटा, थीटा इक्वल व्हाट साइन इनवर्स एक्स, तो क्या हो गया टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, होगा कि नहीं? ये प्रूफ। अब इसी प्रकार साइन थीटा में भी कर सकते हैं, जो कॉस टू कॉस इनवर्स है सेम टू सेम, टू टेन इनवर्स में भी टेन इनवर्स एक्स को मानेंगे क्या थीटा, अब फॉर्मूला लाएंगे याद इलेवेंथ वाला टेन टू थीटा इक्वल व्हाट कॉस टू थीटा इक्वल व्हाट, जैसे याद एक कॉस टू थीटा इक्वल क्या होता था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? इसको ऐसे भी लिख सकते टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, याद आ रहा है? तो सेम वही है टू कॉस इनवर्स, देखिए टू कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू क्या है, देखिए टू एक्स के ऊपर कितना एक्स स्क्वायर माइनस वन, दूसरा प्रॉपर्टी है कि नहीं? बात आ रहा है समझ में? तो जिस प्रकार इस प्रूफ हुआ है इसी प्रकार सेम टू सेम प्रॉपर्टी टोटल का टोटल प्रूफ करना है। आप प्रूफ करके हमें बताएंगे क्या हो गया, नहीं होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है? हम फिर से प्रूफ करके बताएंगे अगर कोई प्रूफ नहीं होगा आपसे तो, ठीक है? बात है समझ में? अच्छा, जो भी प्रॉपर्टी बता रहे हैं जो भी क्वेश्चन बताएंगे इस पे, आप कोई भी बुक जिसके पास जो भी बुक है आप उस बुक को बनाना स्टार्ट करें स्टार्टिंग से। जो भी परेशानी होगा कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन लिखे, हम बोर्ड पे बताएंगे नेक्स्ट में। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को हम जरूर डिस्कस करें क्लास में, ठीक है? राइट एंड टेक द स्क्रीनशॉट। अभी जो भी फॉर्मूला और प्रॉपर्टी पढ़ा है, ठीक है, उसका ये एप्लीकेशन है, ध्यान दीजिएगा। काफी जी क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 3 बाई 5 प्लस साइन इनवर्स 5 बाई 3 इज इक्वल टू प्रूव करना है साइन इनवर्स 56 बाई 65। इसको अगर मानते हैं एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, फॉर्मूला अपना वही लगाएंगे, कौन सा? एक दो फॉर्मूला अपने लगाएंगे दो तरीका से, इसे एक ही क्वेश्चन को दो कंसेप्ट से बता दे, दो तरीका, ठीक है? सबसे पहले फॉर्मूला मेथड वन, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? अब देखिए क्या होगा फॉर्मूला, तो साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव, थ्री बाई फाइव प्लस साइन इनवर्स फाइव बाई थर्टीन इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एक्स इज व्हाट थ्री बाई फाइव अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, वाई मीन्स व्हाट फाइव बाई थ्री, फाइव बाई थर्टीन का स्क्वायर, यानी फाइव का भी स्क्वायर और थर्टीन का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस वाई, वाई मीन्स फाइव बाई थ्री थर्टीन, यानी फाइव बाई थर्टीन और वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स थ्री बाई फाइव का स्क्वायर, वन माइनस थ्री का स्क्वायर थ्री स्क्वायर बाई फाइव स्क्वायर, बात आ गई समझ में? ये एलएचएस, ये एलएचएस है, ठीक है? एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है? प्रूव करना इतना इतना जो लेता, तो साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव इंटू वन माइनस, वन माइनस कितना आएगा ट्वेंटी फाइव बाई वन सिक्स नाइन प्लस फाइव बाई थर्टीन इंटू अंडर रूट वन माइनस कितना थ्री नाइन बाई ट्वेंटी फाइव, कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेशन अपने अपना हाथ का कीजिए, ठीक है? इक्वल टू साइन इनवर्स
कंसेप्ट में कोई परेशानी हो तो बोलिएगा। थ्री बाई फाइव इन टू ये कितना आएगा 169 माइनस 25 144 बाई 169 का अंडर रूट यानी 12 बाई 13 कैलकुलेट कीजिएगा प्लस 5 बाई 13 इन टू 25 माइनस 9 ये देखिए लिखना भी सही तरीका होना चाहिए बोर्ड में नंबर लाने के लिए ठीक है। ये माइनस इसके सामने है बात है समझ में तो 25 माइनस 9 16 16 बाई 25 का अंडर रूट 4 बाई 5 ठीक है। अब ये आ गया कितना साइन इनवर्स 65 यहां भी 65 एलसीएम हो जाएगा 65 ये 12 इंटू 3 36 प्लस 20 यहां लिख देते हैं ठीक है। ये कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 56 बाई 65 इक्वल टू व्हाट आरएचएस प्रूव्ड बात है समझ में। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है एक फॉर्मूला हमेशा याद है कि टेन इनवर्स वाला उससे भी बन जाएगा इसको राइट डाउन एंड टेक द स्क्रीनशॉट। इसका दूसरा मेथड बताएंगे कैसे बनेगा से। अब देखिए इसी का मेथड टू है ये लेकिन कंसेप्ट है बात है समझ में। ये हर सभी में अप्लाई कर सकते हैं अगर फॉर्मूला ज्यादा नहीं याद है एक या दो फॉर्मूला याद रखिए इनवर्स में सब एप्लीकेशन हो जाएगा उसी से। और ये कैसे करेंगे हम इन ट्रिगो से यानी इलेवेंथ से साइन फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वही टेन इनवर्स वाला एक फॉर्मूला याद है टेन साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा मानते हैं ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना 3/5 3/5 इज व्हाट साइन थीटा इक्वल होता है क्या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस पी बाई बी पी बाई एच लंबाई कर्ण। तो साइन थीटा आ गया तो बेस कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर बेस इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 16 कितना होगा 4 होगा कि नहीं। तो P भी आ गया B आ गया H आ गया तो हम लिख सकते हैं इसको कितना साइन थीटा जब 3/5 आ गया तो टेन थीटा कितना आएगा P बाई बी मीन्स व्हाट पी 3 और B 4 लिख सकते नहीं। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। अब देखिए ये एक पहले वाले वीडियो में बताया दूसरा या तीसरा वीडियो में बताया ठीक है। तो साइन इनवर्स 3/5 को कितना लिख सकते हैं टेन इनवर्स 3/4 कैसे लिख सकते हैं देखिए समझिए कोई भी परेशानी होगा पूछेंगे ठीक है। इसको हम इलेवेंथ के ट्रिगो से इसको कंपेयर करके इसको साइन इनवर्स 3/5 इक्वल थीटा साइन थीटा इक्वल 3/5 पी बाई एच तो बी निकाल लिया और बी निकालने के बाद पी बाई बी टेन थीटा इक्वल थीटा इक्वल व्हाट टेन इनवर्स 3/4 बात आया समझ में। अगर ये आ गया समझ में तो अब इसी को हम टेन इनवर्स में चेंज कर देंगे एलएचएस और फिर टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे एलएचएस क्या साइन इनवर्स टेन इनवर्स 3/5 को कितना लिख सकते हैं 3/4 प्लस यहां टेन इनवर्स ये 5 पी और बी पी बाई पी और एच तो बी कितना होगा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का अंडर रूट 169 माइनस 25 इक्वल टू 144 का अंडर रूट 12 तो ये हो गया 5 यानी पी बाई बी 12 इसी प्रकार निकालेंगे बात है समझ में। अब ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई याद कीजिए फॉर्मूला टेन इनवर्स ऑफ एक्स 3/4 प्लस वाई 5/12 बाई 1 माइनस एक्स वाई 3/4 इंटू 5/12 आ रहा है समझ में याद आ रहा है। ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो सेम आ जाएगा वही ये आएगा कितना टेन इनवर्स 33 बाई ये आएगा टेन इनवर्स 56 बाई 33 ठीक है कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आएगा टेन इनवर्स 56 बाई 33 राइट डाउन
देखिए कैलकुलेशन में क्या आएगा, यहाँ 58 आएगा, 48 आएगा, नीचे भी 48 आएगा, 48 48 कैंसिल होगा, ठीक है, बचेगा 56/33। अब देखिए आ गया, अब क्या है tan इनवर्स, अब ये tan इनवर्स p tan थीटा इक्वल क्या आता है p बाई बी, लेकिन sin इनवर्स में क्या आता है p बाई एच, तो इसका h निकालेंगे, ठीक है, या लिख सकते हैं tan इनवर्स 56/33 इक्वल टू थीटा, ले लेट क्योंकि थीटा माने थे, याद आ रहा है, तो ये हो जाएगा कितना tan थीटा कितना 56/33, ठीक है, ये आ गया कितना p बाई बी, पी बाई बी, बात आ रहा समझ में, ये हम इसलिए कर रहे हैं, बाकी आप तो खुद से कर सकते हैं, थोड़ा सा बता रहे हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसको, ये तो h निकाल सकते हैं, h पाइथागोरस थ्योरम से 56 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर 33 का स्क्वायर, बात आ रहा समझ में, ये आ जाएगा 42/25 इक्वल टू व्हाट, ये आएगा 65, बात आ रहा समझ में, ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स राइट ऑन, ये हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना p बाई h, p मीन्स व्हाट 56, h मीन्स व्हाट 65, तो थीटा इक्वल टू कितना साइन इनवर्स 56/65, ये तो प्रूफ करना था इक्वल टू RHS, उससे थोड़ा लॉन्ग जाएगा, ठीक है, बात आ रहा समझ में, उससे लॉन्ग जाएगा, लेकिन फॉर्मूला अगर एक कम याद है सिर्फ tan इनवर्स का, तो भी बन जाएगा प्रूफ, ठीक है। अब ये फॉर्मूला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये फॉर्मूला से डायरेक्ट आप बनाते हैं, आप कंसेप्ट से बना सकते हैं, जैसे तरीका मन करे बनाइए, कोई भी फॉर्मूला यूज कीजिए, चेंज कीजिए इसको साइन टेन कॉस में, किसी में आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसको इजी तरीके से फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला है तो जल्दी बनेगा, याद है तो, ठीक है, तो कॉस इनवर्स LHS, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, या कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स, याद कीजिए कॉस इनवर्स एक्स वाई, एक्स की मीन्स व्हाट 4/5, वाई 12/13 माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई, प्लस है तो माइनस होगा, याद आ रहा है कॉस में चेंज होता है, अपोजिट होता है साइन, अंडर रूट 1 - x² 4/5 का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 - y² 1 - y² मीन्स व्हाट 12/13, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 48/65 माइनस ये 16/25, ये आ जाएगा तो 16/25 9/25 3/5 इंटू 124/169, सो 160 - 44, तो 160 - 44 25/169 यानी 5/13 169 - 144 25, ठीक है 33, ठीक है, तो cos इनवर्स 65, ये भी 65 हो गया, ठीक है, एलसीएम लेते हैं 65, 48 माइनस नीचे 65 15, व्हाट कॉस इनवर्स 48 - 15, कॉस इनवर्स 48 - 15 कितना आएगा 33/65, तो 65 इक्वल टू RHS प्रूव, आसान है कि नहीं, राइट डाउन, और जो भी नहीं समझ में आता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में, थोड़ा मेहनत करिए, अभी लॉकडाउन का स्थिति चल रहा है, आराम से घर में बैठिए एक रूम में,
पंखा चालू कर लीजिए, लाइन तो दे रहा है, आराम से क्वेश्चन बताते रहिए। जो भी बुक आपको मिलता है, जिसके पास जो भी बुक है, एनसीईआरटी, केसी सुना, अरिहंत, जो भी पब्लिकेशन का बुक है, जेई लेवल का भी क्वेश्चन अगर है बनाते हैं तो आप बनाइए, क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप पोस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थ्री। तो आज के ये लास्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर थ्री है, 2 tan inverse 1/5 प्लस 10 inverse 1/4 इक्वल टू 10 inverse 32/43 अप्रूव करना है। बात आ रही समझ में? तो सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 tan inverse 1/5। टेन इनवर्स का तीन फॉर्मूला बताए, ठीक है, कौन कौन? एक टेन इनवर्स का टेन इनवर्स में ही, 2 tan inverse 2x/1 - 1 - x² ठीक है। एक और साइन इनवर्स में ही, साइन इनवर्स 2x/1 + x² और कॉस इनवर्स में ही बताए, कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x² ठीक है। लेकिन यहां अप्लाई कौन करेंगे? टेन इनवर्स, सब टेन इनवर्स में ही दिया हुआ है तो अप्लाई भी करेंगे कौन सा? टेन इनवर्स में ही। तो एलएचएस 2 × 10 inverse, टेन इनवर्स का मतलब टेन इनवर्स ऑफ 2x, x = 1/5 / 1 - x² तो 1 - 1/5 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, प्लस टेन इनवर्स 1/4 LHS। ये अप्लाई किया 2 tan inverse x, tan inverse 2x / 1 - x², ठीक है। देन tan inverse कैलकुलेट करेंगे 2/5 / 1 - 1/25, 25 - 1 तो 24 होगा कि नहीं, 24/25 प्लस tan inverse 1/4। ये बाकी कैलकुलेशन है, ठीक है। टेन इनवर्स 2 = 12 और ये 5, ये 5 ऊपर आएगा, ये जो सबसे नहीं सबसे ऊपर आएगा, 5/12 प्लस टेन इनवर्स 1/4। अब ये जो क्वेश्चन है, ये ट्रांसफर किसमें हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया, किसमें? ट्रांसफॉर्म हो गया 5/12 प्लस टेन इनवर्स 1/4 में। बात आ रही समझ में? अब ये फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई तो 5/12 + 1/4 / 1 - x y यानी 5/12 × 1/4 नीचे दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स 5/12 + 1/4 / 1 - x × y, ठीक है। राइट हैंड टेक द स्क्रीनशॉट। प्रूव करना है क्या? टेन इनवर्स 32/43। अभी अगर कैलकुलेशन करते हैं तो डायरेक्ट होता आ जाएगा, ठीक है। रहीम बंदवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, ठीक है। टेन इनवर्स 5/12, ये एलसीएम कितना होगा 12 × 4 का? 12, 5 + 4 = 12, 1 × 3 / ठीक है। ये 12 × 48 48 - -5, ठीक है। ये हो गया टेन इनवर्स 12/4 जब 48 ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 5 + 3 = 8, 5 + 3 = 8, 8 × 4 / 48 - 5 = 43, so tan inverse 32/43, ठीक है। ये क्वेश्चन यही था।
33 ठीक है। सो LHS इक्वल टू RHS ये प्रूव हो गया, इक्वल टू RHS प्रूव। राइट ऑन, ये टोटल आज के जो हम फॉर्मूला जो प्रॉपर्टी का इसका एप्लीकेशन, और नेक्स्ट में भी अभी और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, और लास्ट में जेई लेवल का भी कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इंजीनियरिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ है ठीक है। अभी एक प्रॉपर्टी और बाकी है कुछ, और नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज बताएंगे कुछ जो बचा हुआ है सो, और उसपे एप्लीकेशन क्वेश्चन इसका भी कुछ क्वेश्चन बचा हुआ वो बताएंगे। आज के लिए लेते हैं विदा। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ने मजा आता है, इस लॉकडाउन में हम आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप भी सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और दोस्तों के बीच में शेयर करें जो अभी इच्छुक है पढ़ने के लिए ठीक है। बाय बाय, वंदे मातरम।